आज की वीडियो में हम बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक पति वशीकरण का उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, पत्नी को देखिए मजबूरन होकर पति वशीकरण के उपाय करने पड़ते हैं, ये टोटके करने पड़ते हैं। और ये उपाय हम आपको केवल इसलिए बताते हैं ताकि आपकी गृहस्थी में जो कलेश है वो दूर हो सके और आपकी गृहस्थी में प्रेम बढ़ सके, ताकि आपकी गृहस्थी अच्छी और मधुर हो जाए। दोस्तों, एक स्त्री के ऊपर देखिए दो परिवारों की जिम्मेदारी होती है, मायके और ससुराल दोनों को देखना पड़ता है। अगर उसमें पति का साथ ना मिले तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और बहुत ज़्यादा हताश हो जाती है, जिसके कारण वो कई बारी देखिए गलत कदम भी उठा लेती है। इसीलिए हम आपको ऐसे उपाय बताते हैं जिससे कि आपकी गृहस्थी में मधुरता आ सके, आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ सके। दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक पत्नी देखिए सब कुछ सहन कर सकती है, अपने सास ससुर के ताने भी सुन सकती है, अपने नंद के ताने भी सुन सकती है, लेकिन वहीं पर अगर उसका पति उसका साथ ना दे, उससे झगड़ा करे, वही उसे इग्नोर करे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए दोस्तों, आपको मैं एक सरल सा और बहुत ही अचूक वशीकरण उपाय बताने वाली हूँ, और ये उपाय केवल और केवल सिर्फ पत्नी करे अपने पति को वश में करने के लिए। दोस्तों, इस उपाय को आपको शनिवार की रात को करना है, और इसके लिए आपको एक लौंग लेनी है, एक फूलदार लौंग लेनी है जो बिल्कुल भी टूटी फूटी ना हो। दोस्तों, कोई भी उपाय अगर पूरे विश्वास से किया जाए तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को रात्रि के समय करना है, शनिवार के दिन आपके जब घर परिवार के सभी लोग सो जाए, आपका पति सो जाए, उस समय पर करना है। आपको एक लौंग लेनी है और उस लौंग को अपनी जीभ पर रख लेना है, और मन ही मन में आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। मन में ही आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम अघोर रूपेणी सह वश्यम मम पति वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपको देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा। इस मंत्र का केवल 21 बार उच्चारण करने के बाद उस लौंग को आप मुंह से निकाल लें और अपने सिराने पर रखकर सो जाएं, और दूसरे दिन उस लौंग को आपको अपने पति को चाय या दूध में किसी में भी मिलाकर खिला देना है। देखना, आपका पति आपके वश में हो जाएगा, वो आपके कहे अनुसार चलेगा, आपसे बेवजह झगड़ा नहीं करेगा, आपका मान सम्मान करने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। दोस्तों, इस उपाय को आप केवल 3 शनिवार करें तो आपको 101% रिजल्ट दिखेगा। इस उपाय को करें और लाभ प्राप्त करें। अगर आपको हमारी वीडियो जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को राधे राधे।